सो हे गाइस, वेलकम टू योर न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी देखो मैं सो के उठ चुका हूँ। और गाइस, आज है मेरा स्कूल। वैसे तो गाइस आज मेरा मैथ्स का पेपर है, क्या है ना, मेरे प्रीवर्ट तो चालू हो गए और आज है सैटरडे, लेकिन पता नहीं आज पेपर क्यों रखा, मंडे को क्यों नहीं रखा। तो अभी क्या करें, पेपर देने जाऊँगा, तभी जब जाऊँगा तब आपको दिखाएगी। तो गाइज, आज डोरी स्कूल जा रहा है। डोरी का फिर से प्रीवर्ट टू हो रहे हैं, बताया ना डोरी ने जैसे, अभी फिर से बहुत दिन के बाद जा रहा है आज। अब तो बिल्कुल बंद ही हो गई उसकी 10th क्लास, लगभग पेपर ही चालू हो जाएंगे उसके। इधर रोड में बहुत ठंडी है भैया, आज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। रोड बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है। लग डोरी बाय, अच्छे से करना, इस बार ज़्यादा नंबर आने चाहिए। मोनू जाने वाला है इसलिए मैं उसके लिए नाश्ता और टिफिन बना दे रही हूँ। इधर मेरे पराठे के लिए गोले बना के तैयार रखे हैं मैंने, है ना, और ये अंडा भुर्जी बनाऊंगी। तो मैंने इसका ये टमाटर और प्याज पका के रखा है, अभी अंडा लेने, ये डोरी को छोड़ने गए ना तो वहीं से अंडे लेके आ जाएंगे ये। तो मैं डोरी इसका टिफिन बनाती हूँ, अभी पराठा बना देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। पापा से मैं कालीन साफ करवा रही हूँ, क्योंकि ये कालीन ना बहुत, उसमें कचरा कचरा जमा हो गया था पूरा, बाल ही बाल। तो अभी ये साफ कर रहे हैं। इनसे बोला था ऐसे झटक लेते अपन, तो नहीं, ब्रश से साफ करूंगा बोलते मैं, तो करो, अच्छे से साफ हो जाएगा। आज खाली ने ऐसे लग रहा क्यों, बाल है ना, बाल बहुत है, दिखते नहीं है पर उसमें। टुकड़े टुकड़े कचरा भी रहता है उसमें कुछ कुछ। तो गाइज, अभी हम लोग का खाना भी हो गया, सब हो गया, डोरी भी पेपर दे के आ गया है और ताई भी नहा ली, हम भी नहा लिए, खाना भी हो गया हमारा। अब हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट। डी मार्ट में हम लोग को किराना लेना है और थोड़ा सा ना पूर्ति बाजार से भी लेना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी जल्दी चले जाएंगे तो भीड़ नहीं रहेगी, पर वो जब भी जाओ वहाँ भीड़ ही रहती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, फिर आपको रास्ता में बता। अभी हम लोग निकल गए डी मार्ट के लिए, लेकिन ताई कार चला रही है आज भैया। पापा बाजू में बैठे हैं और वो कर रहे हैं टॉर्चर, है ना, देख के चला, इधर से कोई भी आ जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप, पहले पेट्रोल डलवाने, क्योंकि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, तो पहले पेट्रोल डलवाते फिर जाएंगे हम डी मार्ट। हम लोग पेट्रोल पंप पे आ गए और पेट्रोल डाल रहे हैं अभी हमारी गाड़ी में, 2000 रुपये का पेट्रोल डाल रहे पापा आज। पेट्रोल डाल लिया, अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम सीधे डी मार्ट में। पूर्ति में रुकेंगे क्या पहले, क्यों भाई, पूर्ति में कि डायरेक्ट डी मार्ट चले, डी मार्ट चल दे। तो भाई अभी हम लोग रास्ते हम रास्ते में जा रहे हैं डी मार्ट सामान खरीदने किराने का। तो हमारी ताई गाड़ी चला रही है आज, ताई गाड़ी चला रही है देखो, और मैं बैठा हूँ आराम से मजा लेते हुए ताई की, और मम्मी पीछे बैठी है, ये पीछे दिख रही है। तो हम किराना लेने जा रहे हैं, धीरे धीरे जाते हैं, अभी देखते फिर क्या क्या मिलता है वहाँ। डी मार्ट आ गया है, लेकिन अभी हम लोग अंदर नहीं घुसे हैं, अंदर और अंदर का तो वीडियो बना भी नहीं सकते, 10 लोग टोकते रहते हैं हम लोग को भैया, तो इसलिए मौका मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे हम लोग, बस मना है उसमें बनाना भैया। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए डी मार्ट, अभी पार्किंग में पापा रखने जा रहे, क्योंकि ना यहाँ भीड़ तो दिख ही रही है, तो हम लोग ने सोचा कि मैं और मम्मी फटफट सामान ले लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो पापा जब तक कार लगा के आ जाएंगे। चलो, अभी ताई पॉपकॉर्न ले रही है यहाँ पे, ये पॉपकॉर्न ना डोरू को बहुत पसंद है, तो ताई लेने गई है, सॉफ्टी भी मिलती है। अब 4900 का क्या सामान है तुम देख लो, उसमें एरियल है सबसे महंगा, बोनविटा है सबसे महंगा, हाँ, और तो बाकी कुछ नहीं था ऐसा। ये है ये कलर वाला, हाँ, सीरीज क्यों जा रही, तो ये सीरीज जा रही भैया, हम लिफ्ट से जाएंगे, लिफ्ट बंद हो गई तो क्या करेंगे, हाँ, कैसे कर रहे हैं पागल जैसे, ताई पहले ही आ गई है, वो जा रही है, दिख रही है। यहाँ के पार्किंग में आ गए, यहाँ पे बहुत सारी कार और बाइक पूरी लगी हुई है यहाँ। अब हमारी कार पता नहीं कहाँ खड़ी है, क्यों कहाँ खड़ी है अपनी कार। ताई और पापा यहाँ सामान भर रहे हैं, मैं खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं भर रही आज सामान, क्यों। सब हम लोग ने कर लिया पूरी शॉपिंग और जमा लिया पूरा किराना कार में, मम्मी का ये ट्रॉली रखने, और अब हम लोग चलते हैं घर। अभी हम लोग घर में आ गए, घर में आए तो ये एक्टिवा यहाँ पे लगी थी कार की जगह पे, अभी एक्टिवा ताई हटा रही है और पापा गाड़ी लगा रहे, फिर हम सामान निकालेंगे उसमें से।
गाइस अब सामान भी तो निकालना पड़ेगा डिक्की से, मैं तो भूल ही गई थी। फिर मम्मी ने याद दिलाया कि डिक्की से सामान भी निकालना है, तो मम्मी और पापा सामान निकाल रहे हैं। तो थक गए यार, कब से गए थे। एक और झोला है और चोकोपाई भी है। तो गाइस हम लोग इतवारी में आए थे तो यहाँ पे बहुत सारी रैली वगैरह निकल रही, क्योंकि आज ताजुद्दीन बाबा का बर्थडे था, तो इसलिए वहाँ पे वो पूरा फटाके फूट रहे हैं, बहुत सारे भीड़ बहुत हो रही है और जगह जगह भंडारा भी हो रहा है उनका। आज वो ताजुद्दीन बाबा जो है ना, उनका बर्थडे रहता है, तो हर साल बहुत भीड़ रहती है, बहुत अलग टाइप का मनाते हैं वो लोग। तिवारी का पूरा गोल्ड मार्केट है, यहाँ पे पूरा सराफा बाजार चलता है, पूरा मार्केट में सोना चांदी सब मिलता है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, मेरे को सुई लेना था बहुत आगे में होने वाली, वो भी मिल गई, सब सामान मिल गया, लेकिन भीड़ तो बहुत है यहाँ पे। और वहाँ पे उधर आगे फटाके भी फूट रहे हैं, वो पता नहीं वही कार्यक्रम चल रहा होगा मार्केट में। यहाँ पे इतवारी है, ये इतवारी में बहुत भीड़ रहती है हमेशा ही। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, घर में अभी ताई का फोन आया था कि बुआ और अंकल बैठे हैं, तो हम लोग जा रहे जिनकी रैली निकल रही है अभी, थोड़े भी है वहाँ पे नाच रहे हैं। कोई मंत्री जा रहा है यहाँ से, तो हम लोग को रोक दिया उनने। तो गाइस अभी ना मम्मी घर पे आ चुकी है, तो अभी ये ब्लॉग करते हैं। तो गाइस आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को जरूर लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और गाइस बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर दो। तो बाय।